click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish Sir, go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। 12.2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12.2 एंड 12.3 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सो इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखें। जो हमने पहली एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पे एक पढ़ा था हमने सेक्टर निकालने का, और एक हमने निकाला था सेगमेंट निकालना। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट एक बार हम इन फॉर्मूलों को देख लेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमको सेक्टर और सेगमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है सेक्टर, क्या होता है सेगमेंट। तो हमने एक बनाया सर्कल, तो सेंटर से ये लिया हमने रेडियस। ठीक है, मान लिया ये एंगल कोई थीटा है, 30, 40, 50 जो भी दिया होगा, तो हमने इसको थीटा मान लिया। तो जो एरिया कवर कर रहा है ये वाला पार्ट, ये टोटल एरिया, जितना ये टोटल एरिया है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये ओ ए बी, तो ये हमारा ओ ए बी, ये पूरा जितना ये हमारा एरिया पूरा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर। ठीक है, ये पूरा एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक एंगल जो हमारा दिया है गिवन थीटा अपॉन टोटल 360 इनटू, एरिया की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। सर्कल है, कॉर्ड बना दी हमने, ए बी कॉर्ड है हमारी। ठीक है, सेंटर है, ठीक है, सेंटर है ओ बी। ठीक है, अभी हम यहाँ बात करेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, बस ये होता है सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये जैसे अपने यहाँ सेक्टर की बात की, तो ये माइनर सेक्टर होगा और ये मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, जितना बड़ा, जो बड़ा होगा मेजर, जो होगा माइनर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ये माइनर, ये वाला हो जाएगा माइनर सेक्टर, और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, नहीं सॉरी, ये सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, आई होप समझ में आए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला हमको दिया, ठीक है, इतना पार्ट है, तो हम ये पूरा पार्ट जो भी देखा हमने सेक्टर, और पूरे सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें। सेक्टर कंप्लीट पार्ट होता है, सेगमेंट सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें तो किसका निकल जाएगा, सेगमेंट का। तो सेगमेंट का फॉर्मूला हमको निकालना है, मोर क्लियर स्पेसिफिकली माइनर सेगमेंट का। तो सेगमेंट का फॉर्मूला अपन को निकालना है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ये सेक्टर का एरिया, उसमें से सेक्टर हमने निकाला, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, ये हो गया हमारा माइनस सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, माइनस सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर होगा, तो मूव करें हम अपनी एक्सरसाइज पे। मूविंग टू आर एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है हमको, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एरिया निकालना है सेक्टर का, जिसमें हमको रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम ये है हमारा, ठीक है, सर्कल ये है, हमको दिया है 6 सेंटीमीटर रेडियस, और एंगल कितना दिया है 60। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये पूरा पार्ट ओ ए बी, ये कंप्लीट हमारा, ये पूरा, ये हम डॉट से बताते हैं, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या पढ़ा हमने सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना दिया है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 22 अपॉन 7 ले लेंगे। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर हमारे पास के लिए 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो 36 ये लिखा हमने, 6 का स्क्वायर 36 से 36 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा हमारा, 6 इंटू 22 अपॉन 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 132 अपॉन 7 इज आर
एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारा हो जाएगा सेक्टर का एरिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं और डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर फॉर्मूला देखना होता है, फॉर्मूला हमने किया डेड्यूस, उसमें हमने रख दिया। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल है उसको चार पार्ट में डिवाइड करती है तो क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड करती है तो क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट हर पार्ट कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, हर पार्ट 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ठीक, तो हमने बना लिया ये एक क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट मतलब एक हमने 1/4 हिस्सा, सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वाड्रेंट होता। ठीक है, अच्छा तो एक हमने लिख लिया हिस्सा, तो इसका एंगल हमको पता है पूरे 360 में से अगर हमने 4 डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, नहीं भी दिया है तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको जितने पार्ट दिए, अगर हमने बोला एक सर्कल के 6 पार्ट करना है तो 360 में से हमने 6 डिवाइड कर दिया तो हमारा एक एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। वैसे ही क्वाड्रेंट बोला है तो 1/4 है, और 1/4 ऑफ अ सर्कल इज 360 में से 4 डिवाइड कर दें तो 90 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये एंगल यहाँ हमारे पास आ गया ओ ए बी। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला, थीटा कितना दिया है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7। और आर कितना दिया है, आर हमको दिया है यहाँ पे, नहीं आर हमको आर नहीं दिया है, आर की जगह हमको क्या दिया, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमको कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। तो हम पहले सर्कमफेरेंस से रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, तो 22। ठीक है सर, 2πr और 22, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/2π। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को 2π, यहाँ पर को πr² दिया। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 πr², तो यहाँ पे अपन r की वैल्यू रख देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपन वहाँ पे सेव कर रखते हैं। ठीक है, चलिए तो 90/360, आर की वैल्यू क्या है, 22/2π, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर है तो 22/2π इंटू 22/2π, एक पाई से एक पाई कट गया। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 9 × 9, 9 × 4 = 36। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 2 × 2 = 4 = 11, 2 × 2 और ये क्या हो जाएगा, 11, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 121/2π, और कुछ तो नहीं बचा देखते हैं। ठीक है, अब पाई की वैल्यू यहाँ रख देते, पाई क्या होती है, 22/7, 7 कहाँ चले जाएगा, ऊपर इंटू 7। ठीक है, तो 11 है, तो 11 × 11 = 2। ठीक है, 11 × 11 = 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारा 77 हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा एक 2 यहाँ पे भी था, तो हमारे पास हो जाएगा 8π, ये 8 हो जाएगा, तो 77/8 विल बी द आंसर। ठीक है, एक 2 यहाँ रह गया था तो मैंने लिखा नहीं था, एक 2 ये है, एक 2 ये है, और एक हमने 22/7 से काट के लिखा। ठीक है, फिर से देख लें क्या किया था, यहाँ पे बचा था हमारा 11 × 11 अपॉन हुआ था 2 × 2π बचा था, ये 2 बच गया था और ये 2π बच गया था, तो हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू 2 × 2 = 11/4π, पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7, 7 कहाँ चला गया, यहाँ 11 × 11 = 11, 11 × 11 = 11, 11 × 2 =, और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 77/8। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। वैल्यू रखते वक्त थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, तो गलतियाँ वहीं पे होती हैं, कोई भी हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, एक हमको घड़ी दी है, घड़ी देखिए अपने, तो हमको यहाँ दिया है कि जो मिनट है
वो पहले 12 पे था और फिर वो कहाँ पे 5 मैंने जो हमारा 12 से वो 5 पे आ गया, ठीक है। तो कितना वो एरिया शिफ्ट किया, मतलब यहाँ से हमको यहाँ तक सेक्टर निकालना, हमको एंगल दिया नहीं हुआ है, ठीक है। हमको बस क्या दिया है यहाँ पे, रेडियस दिया है, ठीक है, जो हमारा लेंथ दी है इसकी, जो लेंथ है मिनट हैंड की, वो क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। हम देखते हैं, अगर एक्यूरेट फिगर हम देखते हैं तो इतना ही है, ठीक है। एक्यूरेट अगर हम फिगर देखेंगे तो ये हमारा 12 पे है और ये हमारा 5 पे, तो उसने कितना, ये जो एरिया है ये ट्रैवल किया, ये निकाला, ये कंप्लीट कितना एरिया उसने ट्रैवल किया ये निकाला, ठीक है। इसका थीटा कितना होगा वो निकालना, ठीक है। और हमको इसकी जो लेंथ दी है मिनट हैंड की वो कितनी थी, 14, तो ये भी 14, तो रेडियस हमको दिया है यहाँ पे 14 दिया है। थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, पूरा कितना है 3, हमको पूरा एक घड़ी है पूरी वो 360 रेवोल्यूशन करती है 1 आवर में, कितने 1 आवर में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, हमने 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना हुआ, 360/60 हुआ, तो ये कितना है, 60/30, तो मतलब यहाँ पे जो 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री, हमने कितना चला 5 मिनट, तो 5 मिनट में हमारा कितना आ जाएगा, 5 मिनट में 6×5=30, तो 30 डिग्री हमने चला 5 मिनट में, 30 डिग्री इन 5 मिनट लिख लेते हैं। तो हमारा जो थीटा आया वो है 30 डिग्री इन 5 मिनट, ये लिख लिया, ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, 360, एक घंटे में 360, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 मिनट का आ गया 6 डिग्री, और 1 मिनट का है तो इसमें अगर मैंने 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5 यहाँ किया, तो ये 5 मिनट का आ गया, और ये कितना आ गया, 6×5=30, 30, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। अब हमको निकालना है सेक्टर, अब हमारे पास रेडियस भी आ गया, हमारे पास आ गया एंगल भी, तो अब हम ईजिली निकाल सकते हैं सेक्टर। कैसे निकालेंगे देखते हैं, सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, और 360 इंटू पाई कितना है, 22/7, और आर कितना दिया, 14, तो 14×14 आर स्क्वायर, तो 14×14, ठीक है। 7×7, 7×2=14, 0, 0, और 3×1=3, 3×12=36, ठीक है। 2×1=2, 2×6=12, 2×3=6, और ये 11, अभी देखते हैं क्या बचा, 11×14/3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना जाएगा, 14 और 14 ये 4, ये 5, तो 154/3 आ गया, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया, तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। तो यूनिट होगी स्क्वायर में, क्योंकि अपन सेक्टर क्या है, एरिया है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, सेगमेंट, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, माइनस सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। देखते हैं अकॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबसेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर में कितना बनना है, 90 डिग्री मिलना, फाइंड द एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, ठीक है। तो हम बना लेते हैं डायग्राम, ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये हमारा सेंटर, ये हमने बनाया, और ये हमने बनाया कॉर्ड, ठीक है, बनाया कॉर्ड, कॉर्ड है हमारा ए बी, और ये हमारा पॉइंट सी, और ये हमारा पॉइंट ओ। हमको लेंथ कितनी दी है इसकी, 10 सेंटीमीटर दी, मतलब रेडियस क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पहला पॉइंट हमको निकालना है माइनर माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, और क्या निकालेंगे दूसरा, मेजर सेक्टर। तो पहले सेगमेंट निकालना, देखें सेगमेंट होता क्या है, अपन को सेगमेंट क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं कि ये पूरे में से ये जो पार्ट है इतना एरिया, इसको क्या कहलाते हैं, सेगमेंट। अभी हमने देखा, इसको निकालने के लिए हम पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
सही में। तो ये हमको 90 दिया है राइट एंगल, बहुत आसानी से अपना क्या ये निकल जाएगा। तो सेगमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, सेक्टर माइनस, सेक्टर माइनस हमारा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक, सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं थीटा हमारे पास क्या दिया है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई की सीधे लिखते हैं 22 अपॉन 7 और आर कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, बेस का देखो 90 है तो बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, तो ये भी 10 हाइट भी 10। ठीक है, तो ये इसको मैं डी ले सकता हूँ 10 का स्क्वायर बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो काट देते हैं 9 फोर ज़ा, ठीक है, और 2 1 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 10 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं माइनस, जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन निकाल लेंगे, इसमें 1 बाई 2 कॉमन है और 10 स्क्वायर कॉमन, तो 1/2 इंटू 10 स्क्वायर हमने निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा 11 अपॉन 7 माइनस से पूरा निकाल ले तो 1 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 100 अपॉन 2, अंदर क्या बचेगा 11 माइनस 7 अपॉन 7, 11 में 7 काटा कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, काट देते हैं 2 1 2 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 200 अपॉन 7 विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अगर डेसिमल में लाना है तो अपन डेसिमल में भी कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, बचा यहाँ पे कितना 6, 7 8 ज़ा 56 बचा 4, डेसिमल लगेंगे 40, 7 5 ज़ा 35, तो ये इतना आपको। ठीक है, आंसर हमको कितना दिया 28.5, तो आंसर विल बी 28.5। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी था, सेगमेंट निकालना बहुत इजी है। ठीक है, और हमसे हाँ इसमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा, सेकंड पार्ट मेजर सेक्टर, मेजर अभी हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली थी ये सेक्टर, तो ये हमारा माइनर सेक्टर था, इसमें से अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे, जो हमारा ये सेक्टर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेक्टर निकाला, ये सेक्टर है। ठीक है, तो हम टोटल 360 में, तो हमारा पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर में, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम ये वाला जो हमने निकाला सेक्टर ये माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर के वैल्यू क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो हमने निकाला यहीं से अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना था हमारा ये वैल्यू, तो पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर की वैल्यू क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी 1/2 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 10 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सेक्टर की थी, माइनस सेक्टर की, तो हमने एरिया में से माइनस सेक्टर को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, खुद ट्राई करें क्वेश्चंस को। मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ एंगल दिया है, रेडियस दिया है एट द सेंटर। ठीक है, हमको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब अपन को माइनर सेक्टर निकालना है, फिर हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो हमको यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकालना। तो फटाफट हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम क्या है हमारा, ये हमको क्यों करना है सर्कल, अच्छे सर्कल बनाते हैं, ये है सर्कल। ठीक है, हाँ आई होप थोड़ा सा, चलो सर्कल हमारा ये हो गया, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ए भी है हमारा कॉर्ड, इसको जोड़ देते हैं, ए भी हमारा कॉर्ड, हमको ये आर्क निकालना है। ठीक है, ए बी सी, ये पॉइंट लेते हैं, ए बी सी हमको आर्क निकालना है। ठीक है, आर्क मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। ठीक, तो हमको यहाँ रेडियस दिया है हमको कितना 21, एंगल दिया है हमको 60, तो लेंथ ऑफ आर्क का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बार देख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क देखेंगे,
लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? बस वही है जैसे सेक्टर का होता है, बस उसमें एरिया आता है, इसमें सरकम फेरेंस आ जाएगा। सरकम फेर जो होता है 2πr, ठीक है, लिख देंगे। थीटा अपॉन, थीटा कितना दिया हमको 60, लिख लेते हैं। फिर 360, 2πr मतलब 22/7, और r कितना दिया हमको रेडियस 21, ठीक है। 0, 0, 6, 1, 6, 6, 6, 36, 7, 7, 7, 3, 21, 2, 1, 2, 2, 3, 6, और ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पे आया 22। तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट हमको निकालना है सेक्टर OACB। सेक्टर निकालने के लिए वही सेक्टर का फॉर्मूला, 60/360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 21, 6, 6, 30, 3, 3, 6, ये 11, तो हमारा 11 into 21, 21 और 21, 1, 3, 2, तो आंसर आ जाएगा 231, 231 इज द आंसर ऑफ द, ठीक है। अब निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से हमको क्या निकालना है यहाँ पे? ये सेगमेंट निकालना है, ठीक है। ये कॉर्ड से हमारा जो बन रहा है यहाँ पे सेगमेंट जो हमारा ये बन रहा है, ये निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, आई होप इतना आया। अब निकालते हैं अपन सेगमेंट। तो इसी सेक्टर जो हमने अभी निकाला है, सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो पहले ये ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, ये 21 है, 21 है और ये एंगल 60 है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3/4 और साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, 3/4 साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो, ठीक है। अच्छा, ये हमको कैसे पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? तो देखो, ये 21 है, ये 21 है, इसका मतलब क्या है? ये अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे बाय एसिस एंगल। एसिस ट्रायंगल है तो उसके अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आया, ठीक है। तो 60 + x + x = इतना हो जाएगा 180, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टीज है। तो 60 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 और यहाँ आ जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो क्या हो गया हमारे पास? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। कि आपको कन्फ्यूजन ना होगी भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ से लिया, ठीक है। तो ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना है हमारे पास? √3 / √3/4। साइड कितना दिया? 21 का स्क्वायर। ये हुआ हमारा। अब इसको हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने अभी निकाला था उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया था? 231 आया था। जो हमको सेगमेंट निकालना, सेगमेंट इक्वल्स टू सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया था हमारा 231, याद होगा, और √3/4 × 21 का स्क्वायर। इनको कर दें सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेक्टर में से हमने माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि रूट में दिया है तो सॉल्व नहीं होगा, इसी में आंसर दिया है पीछे। तो √3/4 ये हो जाएगा हमारा 441 हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, आई होप क्लियर होगा। बहुत बहुत इजी था, ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, बस यही फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसकी जो बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, क्वेश्चन तो इससे भी पूछे जाते हैं, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो उससे पूछे जाते हैं, थोड़े ज़्यादा नंबर के, 4 नंबर के 5 नंबर क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ये एज अ होमवर्क आपके लिए। इसमें भी क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है हमको, एंगल दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। तो हमको कुछ नहीं, सेगमेंट निकालेंगे। तो जो हमारा सेगमेंट आएगा, सेगमेंट आएगा उसको अपन क्या करेंगे, टोटल जितना हमारा पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे, जो हमारा माइनर सेगमेंट आएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ मेजर माइनर दोनों निकालना, तो पहले अपन क्या, माइनर निकलेगा,
आपके सर्कल दिया है, तो ये जो हमारा माइनर निकलेगा तो उसको पूरा पाई आर स्क्वायर टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। ठीक है भैया, हमको कॉर्ड दिया है, ठीक है, और उसमें सर्कल में रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 120 द सेंट एट द सेंटर, फाइंड द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, कैसे निकालेंगे देखते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में जो एंगल दिया है तो वो कैसे हम डिपिक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हमको कॉर्ड दी है, अपन बोला ये एस और ये टी है, यहाँ ले लेंगे यू, इसको ले लेंगे ओ, और यहाँ पे ले लेंगे अपन वी। ठीक है, तो हमको दिया है 12 और ये पूरा कितना दिया 120। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कभी किसी भी आइसोसेलीस ट्रायंगल में, आइसोसेलीस ट्रायंगल क्या होता है, जब दो साइड बराबर होती है उसमें से बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये एंगल को क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि 120 है पूरा, तो ये 100 बराबर पार्ट में ना 60 और 60 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ओ वी परपेंडिकुलर टू एस टी। ठीक है, ओ वी इस परपेंडिकुलर एस टी। अब ऐसे ट्राइंगल में अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमारा एस वी बराबर वी टी हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये ऐसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक, अभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि हमको ये क्या निकालना है, इसकी अगर लेंथ हमको कॉर्ड की निकालनी है तो वी हैव टू यूज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़े तो वीडियोस देख लीजिए आप, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है। तो इन ट्राइंगल ओ वी एस कौन सा ट्राइंगल, ओ वी एस, एंगल 60 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉस 60, कल्ली ब्लैक है, ब्लैक बी हमारा क्या ओ वी हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ एस। ठीक है, तो कॉस 60 बराबर हो जाएगा हमारा ओ वी अपॉन एस ओ, एस ओ ये, तो ये हमारा 12 है। ठीक है, तो इसकी हाइट, तो कॉस 60 हमारा कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 बस टू ओ वी अपॉन 12 यहाँ चले गया, तो ओ वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ओ वी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई हमारी, कितनी आ गई, 6 आ गई ओ वी की वैल्यू। ठीक है, ओ वी की वैल्यू हमारी आ गई है 6, मतलब ये जो हाइट है अब हमारे पास इस हाइट का कितना है, 6 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, अब हम इस वाले ट्राइंगल में हम क्या निकाल लेते हैं, इससे हमको अब हम देखते हैं साइन 60 लगाते हैं, इसी में हम क्या लगाते हैं, साइन 60। साइन क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन एच, पी हमारे पास क्या है, एस पी, और एच क्या है हमारे पास, 12। साइन 60 कितना होता है, √3, यहाँ लिख लेता हूँ साइन 60, ये होता है √3/2 इक्वल टू एस वी अपॉन 12। ठीक है, यहाँ 12 यहाँ जाएगा, 2 × 2, 2 × 6 = 12, तो एस वी इक्वल टू 6√3। ये आगे हमारा ये एस वी 6√3 हुआ, कितना हुआ हमारा एस वी 6√3 हो गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमारा एस टी क्या होगा, एस टी हमारा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एस वी, डबल है, हमने देखा यहाँ बराबर है, तो हमारा एस टी जो हमारी पूरी लेंथ है ये हमारा 6√3 और ये भी हो जाएगा 6√3 बराबर है, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये एस टी ये हमारा हो जाएगा पूरा 12√3, कितना हो जाएगा 12√3। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि हमको क्या फाइंड करना था, तो हमारे पास सब आ जाता है, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, हमको ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो एस ओ टी इतना एरिया, ये निकालना है। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल सेक्टर में से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने ये किया। अब हमारे पास बेस भी है, अब हमारे पास हाइट भी है, तो हमारे पास ईजिली हम निकल जाएगा एरिया। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखो हमारे पास बेस क्या आ गया, ये वाला हमारा जो ट्रायंगल देखते हैं, इसमें हमारा बेस आ गया 12√3 और हाइट क्या आ गई हमारे पास 6,
ठीक है, और सेक्टर तो हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हमको क्या निकालना है, सेगमेंट। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सेक्टर के एरिया में से माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ओ एस टी आर, ठीक है, ये निकाल। सेक्टर क्या हो जाएगा, 120 हमारा टोटल एंगल लिया था, 360 पाई 22/7, आर कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है, चलो माइनस कर रहे हैं हाफ, बेस क्या दिया है 12√3 दिया है, हाइट कितनी है 6 है, ठीक है, 12 3 जा, ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया 1/3 × 22/7 × 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 × 12, यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 6 6 जा 36, ये हमें कितना 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे 48 × 22/7 − 36√3। अब यहाँ पर रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, 1.73, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना, जब इसको हम 36 × 1.73 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 62.28 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 150.72 आएगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारा आंसर ये है, ठीक है, बहुत आसान है। तो हमने ये जो इतना तामझाम किया है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए किया, ठीक है, तो फर्स्ट हमको भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हमारे पास बेस का पता होना चाहिए और फिर हाइट का पता होना चाहिए, ठीक है, तो बेस और हाइट के लिए अपन ने ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है, आई होप स्पेशल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हुई है इसमें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, आई होप समझ में आया वो क्वेश्चन। और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें घोड़े के बारे में बोला गया है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग ऑफ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, यहाँ से अपन ने ये हॉर्स है, ठीक है, ये अपना हॉर्स है, इसको टाइड कर दिया, ठीक है, तो वो कितनी घास क्या है यहाँ पे खा सकता है, यही क्वेश्चन होगा। A horse is tied to a peg of at a one corner of a square shaped grass field of side centimeter. Side centimeter मतलब 15 सेंटीमीटर अपन को ये दिया है, स्क्वायर है तो सारी साइड हमारी बराबर है, ठीक है, और थ्रेड कितनी लॉन्ग है हमारे पास, 5 मीटर लॉन्ग है, सब मीटर पे है तो 5 मीटर की थ्रेड है, तो कुछ ऐसा वो खा पाएगा, ठीक है, इतना वो खा पाएगा। एंगल कितना होता है, 90 होता है, ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, ग्रेस मतलब चरना, ठीक है, तो हॉर्स कितनी घास खा पाएगा वो अपन को निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया, ये वाला सेक्टर इसका निकालना, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व्हेन, तो रोप को बढ़ा दिया 5 मीटर और कर दी, इतनी 5 और बढ़ा दी, तो अब वो इतना कुछ काटता है, तो ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, तो इस सेक्टर का, स्मॉल सेक्टर का जो एरिया आएगा फिर बड़ा सेक्टर का, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला अपन पॉइंट देखते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट हमसे बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द, पहले ये सेक्टर निकालना, ठीक है, एरिया 90 स्क्वायर है तो 90 होगा, तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, सेक्टर वन बोल देते हैं, सेक्टर वन, सेक्टर, ठीक है, सेक्टर वन का एरिया एंगल तो 90 है अपॉन 360 है, पाई 22/7 है, आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 5 है, 5 × 5 काट देते हैं, ठीक है, तो 11 × 25/2 × 7 ये आया हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास आया, तो ये कितना एरिया आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा मेरा ये, तो भाई यहाँ तक तो उसने कितना खाया, इतना जो पोर्शन उसने खाया है
वो है 19.625। ठीक है, अब हमने रोप की लेंथ बढ़ा दी। अब हमने रोप की लेंथ कितनी कर दी, अब हमने रोप की लेंथ बढ़ा के टोटल रोप की 5 और बढ़ा दी। 5 + 5 10 मीटर होगी रोप की लेंथ। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा 10। तो सेक्टर टू निकालेंगे अपन, यहाँ तक का पूरा कंप्लीट। ठीक है, सेक्टर टू हमारा हो जाएगा 90/360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 10 × 10। ठीक है, ये कट जाएगा 9 × 4 = 2, 11 × 2 = 5। तो 11 × 5 × 10/7 इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 78.5 meters square। ठीक है, तो सेक्टर वन सेक्टर टू, अभी हमको बोला कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इतना एरिया क्या हुआ हमारे पास, इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब ये नया ये 10 और ये हमारा ये, तो ये हमारा 5 था और ये हमने बढ़ा दिया तो ये 10 था पूरा। तो हमको इतना एरिया निकालना है, इतना एरिया क्या करेंगे, सेक्टर टोटल से सेक्टर टू हमको जो इंक्रीज, दूसरे पेंसिल के हूँ इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग, ये जब रोप किया तो सेक्टर टू में से सेक्टर वन माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। मतलब हमने पहला कितना निकाला था सेक्टर टू, 78.5 में से 19.625 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, 58.875 द आंसर मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, मज़ेदार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यू हैव टू पुट ऑल दी वैल्यूज इन फॉर्मूलाज एंड यू कैन ईजली गेट योर आंसर। ठीक है, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसे अभी अपन ने किया है, पिछले जो क्वेश्चन किए हैं 7, 8 वैसे क्वेश्चन यहाँ पर भी है। आई होप बन जाएगा, नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी है कई बार क्वेश्चंस। ठीक है, तो वी विल डूइंग द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक अम्ब्रेला दिया है हमको जिसने 8 रिब्स। रिब्स क्या होते हैं उनके, ये ऐसे देखा होगा कलरफुल होगा, ये जो पैटर्न इसको रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 8 रिब्स हैं। ठीक है, ऊपर से अगर ये अम्ब्रेला है हमारा, और अगर ऊपर से अगर देखेंगे तो वो हमको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, इसमें 8 रिब्स होते हैं, 1, 2, 3 और ये, टोटल 8 रिब्स हो गए। ठीक है, एज्यूमिंग जो इक्वली स्प्रेड है, तो एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल जैसे हमने बनाया ऑफ अ रेडियस 45 सेंटीमीटर। हमको रेडियस दिए कितनी, सारे रेडियस कितनी है, सारे 45 सेंटीमीटर के। फाइंड द एरिया ऑफ एरिया बिटवीन द टू कंजुटिव रिब, मतलब दो कंजुटिव दो रिब हैं इनके बीच में ये जो एरिया है ये बताना है। ठीक है, ये एरिया निकाल के बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमको एंगल निकालना होगा, तो हम टोटल एंगल, टोटल हमारा कितना होता है 360, उसे कितने पार्ट किए हमने, 8 पार्ट किए, तो 360 में से अगर 8 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45। 360 में से हमने 8 डिवाइड किया तो हमारे पास आया 45। 45 आ गया हमारे पास एंगल आ गया, और रेडियस कितना है हमारे पास, वो भी हमारे पास कितना दिया है, 45 हमारे पास रेडियस दिया है। बस क्या करना है हमको, सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 × πr² थीटा दिया है हमको कितना, 45/360 × π 22/7 और r कितना है हमारे पास, 45 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर 22275/28। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर है, इसको डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में भी आ जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कार वाइपर के लिए दिया है। ठीक है, वो भी बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक है, हमको यहाँ पे कार वाइपर का दिया है हमको, जिसमें एंगल दिया है, तो सेम हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द, तो हमको यहाँ पे सेक्टर निकालना है। बस हमको 115 दिया है रेडियस रखना, सेम बहुत आसान है आपके लिए है क्वेश्चन, डू बाय योरसेल्फ, ना बने तो प्लीज़ कमेंट। ओके बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12th बोला है टू वार्न द शिप, तो वार्निंग सिग्नल की तरह शिप को वार्न करने के लिए, फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वार्न। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो लाइट हाउस होते हैं वो कहाँ होते हैं, समुद्र किनारे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समझ लीजिए पॉइंट में क्या है, लाइट हाउस है सेंटर ओके। ठीक है, तो वो शिप क्या करता है, वार्न करने के लिए वो लाइट हाउस ऊपर घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एरिया जो एंगल कवर करता है वो कितना करता है, 80 डिग्री करता है। ठीक है, वो क्या स्प्रेड करता है, रेड लाइट स्प्रेड करता है। ठीक है, इससे क्या है, शिप टकरा ना जाए किससे, रॉक से। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, एंगल दिया है और हमको रेडियस दिया है 16.5 दिया। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया द ऑफ द सी ओवर विच द शिप वन, तो कितने एरिया में ये कवर करता है, बस सेक्टर निकालना है, ये भी बहुत आसान है। तो सेक्टर का फॉर्मूला थीटा कितना दिया, 80 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई मीन्स 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है, 16.5 का स्क्वायर, बस ये निकाल लें आपका आंसर आ जाएगा, आंसर करीब आएगा आपको 189.97 किलोमीटर, हर जिस वेले किलोमीटर दिया तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर होगा, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिज़ाइन वाला। तो यहाँ हमको बोला है अ राउंड टेबल कवर। ठीक है, एक राउंड टेबल है। ठीक है, जिसमें कवर है कुछ ऐसा हेक्सागोनल शेप का बना, ऐसा। ठीक है, और साइड में कुछ डिज़ाइन बनी है, साइड में ऐसा, ये डिज़ाइन है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर, साइड में जो डिज़ाइन दी है ये 6 डिज़ाइन है ब्लैक कलर में जो बनाई है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, तो हमको यहाँ पे रेडियस दिया है, कितना दिया है, 28 दिया, कितना 28 सेंटीमीटर दिया। वी टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.,  मतलब 1 सेंटीमीटर का हम उनको कितना देना पड़ता है, 0.35। ठीक है, इतना हमको रुपीस देना पड़ता है। तो डिज़ाइन की अपन को वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, इस सेंटर ये अपन ने बनाया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एंगल दिया है, नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे, कितने पार्ट में है, देखो 6 साइड है तो 6 पार्ट होंगे, तो थीटा निकालने के लिए 360 अपॉन 6, 6 पार्ट करेंगे तो कितना 60, ये कितना आएगा, 60 आ गया हमारे पास ये एंगल। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो सिंपल सी बात है, सेगमेंट निकालेंगे, एक सेगमेंट निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, ईजी है, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। रेडियस हमको यहाँ पे दिया है 20। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ए बी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्यों होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा तो सेम वही है फंडा। तो ये हमारे पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना है सेगमेंट, एक सेगमेंट करिए कितने, ऐसे इससे एक का डिज़ाइन आएगा। ठीक है, एक कट जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 6 आ जाएगा, उसको 0.35 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो हमको सेगमेंट निकालना, तो सेगमेंट का फॉर्मूला होगा सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल लिख देता हूँ मैं, बेटर रहेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर का कितना एरिया, 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, आर कितना दिया 28 का स्क्वायर, माइनस रूट 3 बाय 4, साइड हमको दिया है 28 का स्क्वायर, 6 6 6 36, 1/6 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 स्क्वायर माइनस रूट 3 बाय 4, 28 का स्क्वायर, या रूट 3 की जो वैल्यू रखेंगे वो 1.73 रख देंगे वैल्यू। ठीक है,
रूट थ्री की वैल्यू रख देंगे 1.73 रख देंगे तो हमारा क्या जो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले रूट में निकालते हैं। तो जो पहले कॉमन निकल रहा है वो निकाल रहे हैं, 28 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर बच रहा है क्या, ठीक है, 1/6 इंटू 22/7 यहाँ बचा, माइनस √3/4 यहाँ बचा, ठीक है। 2 3 6 और ये 11, ठीक है, 7 3 21 तो ये हो जाएगा 11/21, ठीक है। ये आया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट आ गया है हमारे पास। अभी सॉल्व नहीं कर रहे इसको क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें अभी किसका सेगमेंट, हमने जो डिज़ाइन निकाली अभी ये वाले एक निकाले, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 की डिज़ाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इस सेगमेंट जो हमने निकाला है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, अब हमारे पास 6 की डिज़ाइन होती है, ठीक है। उसी कॉस्ट निकालना है तो हमने इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 0.35। आई होप समझ में आएगा। ये हमारे एक की थी, एक जो एक डिज़ाइन थी उसकी थी, ठीक है, और हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पूरी 6 की डिज़ाइन आ गई। और 6 की डिज़ाइन की कॉस्ट क्या होगी, एक की डिज़ाइन की, तो टोटल ये 6 डिज़ाइन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.35 से, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट द टोटल आंसर 162.68 रुपीज़, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप इसे कर लें, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। इसकी वैल्यू रख देंगे 1.73, ठीक है, डेसिमल में रहेगा आंसर, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इतने को, तो इतने पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा आ जाएगा 464.8 आएगा। और इसको अपन जब 0.35 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 162.68, ठीक है, ये रुपीज़ में आएगा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी था। एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बोल देंगे क्योंकि टिक द करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को और फिर एंड करते हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग व्हेन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। हमको एंगल कितना दिया है, यहाँ पे एंगल हमको दिया है पी, और ऑफ द सर्कल रेडियस, रेडियस कितना दिया है हमको, आर हमको रेडियस दिया है। व्हाट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा निकाल लेते हैं। तो एंगल हमारा क्या है, पी अपॉन 360, और हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन देखेंगे। अच्छा, इसमें इन्होंने ऐसे लिखा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है पाई अपॉन 360, तो पहला ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ए बी सी नहीं है, तो डी कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इनने 2 का ऊपर ही मल्टीप्लाई किया है, 2 का नीचे बी डिवाइड किया। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr² हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 720 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी विल बी आर आंसर, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक खेल लेते हैं इन लोग क्वेश्चन वाले, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।